भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री एक किस्सा बताते हैं। बात तब की है जब शास्त्री जी नेहरू सरकार में गृह मंत्री होते थे। इसके बावजूद अनिल और उनके दो छोटे भाई स्कूल जाते हुए तांगे का इस्तेमाल करते थे। वहीं स्कूल में उनके दोस्त गाड़ी से आते थे, कार से, और ये उनके बच्चे थे जो सरकार में शास्त्री जी के नीचे काम करते थे, अंडर काम करते थे, माथहत काम करते थे। अनिल और उनके भाइयों ने एक दिन अपने पिता से पूछा, हम गृह मंत्री के बेटे होते हुए भी गाड़ी में स्कूल क्यों नहीं जा सकते? शास्त्री जी ने जवाब दिया, जा सकते हो, लेकिन उसके लिए उन्हें सरकारी गाड़ी में जाना होगा। अनिल और उनके भाइयों ने कहा, चलेगा। तभी शास्त्री जी ने हिदायत देते हुए कहा, याद रखो, गाड़ी सिर्फ तब तक है जब तक मैं सरकार में मंत्री हूँ। जिस दिन मैं मंत्री नहीं रहा, तुम फिर तांगे से ही जाओगे। अनिल लिखते हैं कि ये सुनकर उन्होंने गाड़ी से जाने का विचार त्याग दिया, क्योंकि एक बार गाड़ी की आदत लग जाने पर उन्हें दोबारा तांगे से जाने की हिम्मत नहीं होती। अनिल बताते हैं कि बाद में शास्त्री जी ने अपने लिए एक कार खरीदी, कीमत थी 12,000 रुपये। शास्त्री जी के पास अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपये थे, इसलिए उन्हें गाड़ी खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 का लोन लेना पड़ा। ये व्यक्ति देश का गृहमंत्री था, बाद में प्रधानमंत्री भी हुआ। ये लोन उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार ने चुकाया। इस किस्से से आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 60 साल पहले भारत में गाड़ी लेने के क्या मायने होते थे। और इस किस्से की बात इसलिए क्योंकि आज हम आपको उस गाड़ी की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे भारत की पहली कार कहा जाता है। हालांकि वो भारत में बनने वाली पहली कार नहीं थी, लेकिन 90 से पहले के दौर के किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो इसी गाड़ी को भारत की पहली कार कहेगा। इस गाड़ी का नाम था एम्बेसडर, वो गाड़ी जिसके रंग से लोग ओहदे का पता लगा लिया करते थे। सफ़ेद एम्बेसडर का मतलब होता किसी नेता का कारवां जा रहा है। काली एम्बेसडर में सेना के अधिकारी चलते थे, वहीं अगर लाल पीले एम्बेसडर हो तो उसका मतलब होता था टैक्सी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम। शुरुआत रिवर्स गियर से करते हैं। 2 नवंबर 1881, ये वो तारीख थी जब फ्रेंच आविष्कारक गुस्ताव ट्रूवे ने पेरिस में एक प्रदर्शनी के दौरान पहली बार बिजली से चलने वाली पहली गाड़ी का प्रदर्शन किया। इसके 5 साल बाद 1886 में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंस ने पहले कार इंजन का पेटेंट हासिल किया जो पेट्रोल से चलता था। इसी के साथ दुनिया भर में गाड़ियों की आमद होनी शुरू हुई और जल्दी भारत की सड़कों पर कार भी दौड़ने लगी। भारत में पहली कार कलकत्ता में पहुंची, साल था 1896। इस कार को खरीदा था फॉस्टर नाम के एक अंग्रेज साहिब ने। इसके अगले ही साल जमशेद जी टाटा ने अपनी पहली कार खरीद ली। हालांकि इसकी अगली आधी सदी तक आम भारतीयों की दूरी कार से बनी रही, दूर की कौड़ी रही उनके लिए। 1928 में फोर्ड और जर्मन मोटर्स ने भारत में कार बनाना और बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन भारतीय अब भी बैलगाड़ी से ही चलते थे ज्यादातर। फिर आया साल 1942, उस साल बीएम बिड़ला ने हिंदुस्तान मोटर्स नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। उनके भाई घनश्याम दास बिड़ला महात्मा गांधी के खास मित्र होते थे और गांधी की प्रेरणा से ही उन्होंने तय किया कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर होना होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत गुजरात में बंदरगाह के नज़दीक ओखा से हुई थी। कार के कलपुर्जे आयात करने के लिए ये एक मुफीद जगह थी। कलपुर्जे ब्रिटेन की एक कंपनी मॉरिस मोटर्स से आयात किए जाते और भारत में उन्हें असेंबल किया जाता। बंदरगाह पास होने से आयात में कुछ आसानी होती और पैसों की भी बचत होती थी। इसी दशक में भारत में टाटा और महिंद्रा ग्रुप ने भी अपनी ऑटोमोटिव कंपनीज लॉन्च की, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा वक्त तक चल नहीं पाया। 1943 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से काम ठप रहा, तो वहीं युद्ध के खात्मे के बाद साल आज़ादी के बंदोबस्त में निकल गए। 1949 में हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी पहली कार लॉन्च की, नाम था हिंदुस्तान 10 या हिंदुस्तान 10। ये मॉरिस 10 नाम की कार की कॉपी थी या उससे प्रेरित थी। इसमें 1.5 लीटर कैपेसिटी वाला वॉल्व इंजन लगा था जिसमें 37 हॉर्स पावर की ताकत थी। भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आ गया था। कब? साल 1952 में। क्या हुआ था इस साल? 1952 में भारत सरकार ने पहली टैरिफ पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के तहत अगर किसी विदेशी कंपनी का किसी भारतीय कंपनी के साथ करार नहीं तो उस पर भारी टैक्स लगता। नतीजा हुआ कि फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों ने भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। बिड़ला इस दौरान हिंदुस्तान मोटर्स का कारखाना लेकर गुजरात से बंगाल चले गए। कलकत्ता से 10 किलोमीटर दूर उत्तरपाड़ा में नया कारखाना लगा। मॉरिस कंपनी के साथ नया करार भी हुआ जिसके तहत अब भारत में ही कलपुर्जे बनाए और असेंबल भी किए जाने लगे। कंपनी ने हिंदुस्तान 14, बेबी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान लैंडमास्टर नाम के मॉडल लॉन्च किए। हालांकि ये गाड़ियां भारत में ही बनी थी, लेकिन फिर भी इन्हें विलासिता की निशानी माना जाता था।
केवल संभ्रांत वर्ग के लोग ही इन गाड़ियों को खरीद सकते थे। फिर 1958 में कंपनी ने एक ऐसी कार लॉन्च की जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नक्शा बदल दिया। मॉरिस कंपनी की एक कार होती थी, नाम था मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3। हिंदुस्तान मोटर्स ने भारत के हिसाब से इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए और इसे एम्बेसडर नाम से लॉन्च किया। जैसे ये गाड़ी भारत की सड़कों पर उतरी, इसने वो रफ्तार पकड़ी कि सब देखते रह गए। गाड़ी की कीमत थी 14,000 रुपये। इसकी खास बात थी, खड्डों वाली सड़कों पर भी इसे आराम से चलाया जा सकता था। इसलिए मार्केट में आते ही इस कार ने अपनी पैठ बना ली। सबसे खास बात यह थी कि अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो कोई नौसिखिया मैकेनिक भी इसे ठीक कर लेता था। ये भारत की पहली डीजल कार भी थी और तब इसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स कहा जाता था। एम्बेसडर मध्यम वर्ग के लिए पहली कार थी। मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति जिसे अपने काम धंधे के लिए कार चाहिए वो इसे खरीद सकता था। साथ ही रईसी दिखाने वाले इसे शानो शौकत की चीज़ समझ सकते थे। दोनों के लिए ऑप्शंस थे। टैक्सी चलाने वालों के लिए भी ये पहली पसंद थी। वहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े अफसरान के लिए भी एम्बेसडर ताकत का प्रतीक थी। उस दौर में एम्बेसडर के विज्ञापनों में लिखा होता था, वी आर स्टिल द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रियल लीडर्स, यानी हम अभी भी असली नेताओं की प्रेरक शक्ति हैं। राजनीति में एम्बेसडर की अहमियत समझने के लिए तब के दौर का एक किस्सा सुनिए आप। बात तब की है जब नेहरू प्रधानमंत्री होते थे। अपनी रोज़मर्रा की यात्राओं के लिए वो भारतीय गाड़ियों से चलते थे, लेकिन जब बात किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या गणमान्य व्यक्ति की आवभगत की होती तो नेहरू कैडिलैक में उन्हें लेने जाते। ये देखकर एक रोज़ तत्कालीन गृहमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे पूछ लिया कि आप गाड़ी बदल कर क्यों जाते हैं। इस पर नेहरू ने जवाब दिया कि मैं बाहर से आने वालों को दिखाना चाहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री भी कैडिलैक से घूम सकता है। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एम्बेसडर में ही चलना चुना। शास्त्री जी के बेटे अनिल बताते हैं कि वो विदेशी आगंतुकों को लेने के लिए भी एम्बेसडर ही लेकर जाते थे। एक रोज़ जब उनसे पूछा गया कि वो नेहरू की तरह कैडिलैक लेकर क्यों नहीं जाते तो शास्त्री जी ने जवाब दिया, पंडित नेहरू एक महान व्यक्ति थे, उनका अनुकरण करना मुश्किल है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति क्या सोचता है, बस उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री भारत में बनी गाड़ी में ही चलता है। उस दौर में एम्बेसडर या जिसे प्यार से एम भी बुलाया जाता था, भारत में बिकने वाली कारों का 70% हुआ करती थी, जिसमें एक बड़ा हिस्सा सरकारी ऑर्डर्स का होता था, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और बाबू एम्बेसडर से ही चलते थे। सफ़ेद एम्बेसडर के ऊपर लगी लाल नीली बत्तियों का एक ही मतलब था कि कोई बड़ा आदमी जा रहा है। साल 1981 तक एम्बेसडर ने भारतीय कार मार्केट में एक छत्र राज किया। फिर 1983 में मारुति 800 लॉन्च हुई और आम लोगों के बीच उसने एम्बेसडर की जगह धीरे धीरे ले ली। हालांकि नेताओं और मंत्रियों के लिए एम्बेसडर तब भी पहली पसंद बनी रही। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी वो पहले प्रधानमंत्री बने जिनके कार्यकाल में एम्बेसडर के बजाय BMW से चलना चुना गया। साल 2001 में हुए संसद हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से एम्बेसडर को प्रधानमंत्री के काफिले से बाहर किया गया। हालांकि इसके काफ़ी समय बाद तक भी टैक्सी चालकों के बीच एम्बेसडर लोकप्रिय बनी रही, जिन्हें आम भाषा में काली पीली टैक्सी कहा जाता है। साल 2013 में ग्लोबल ऑटोमोटिव प्रोग्राम टॉप गियर ने एम्बेसडर को दुनिया की सबसे बेहतरीन टैक्सी का दर्जा दिया। इस कार का डिज़ाइन इतना आइकॉनिक था कि इन 60 सालों में मामूली बदलावों के अलावा इसके नैन नक्श कभी नहीं बदले गए। कभी भारत में स्वायत्तता का प्रतीक रही कंपनी वक्त के साथ अपने को बदल नहीं पाई और आखिरकार बढ़ते कंपटीशन के बीच साल 2014 में इसे बनाना बंद कर दिया गया। फरवरी 2017 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर ब्रांड से जुड़े तमाम अधिकार फ्रांस की एक कंपनी प्यूजो को 80 करोड़ रुपए में बेच दिए। 2021 में खबर आई थी कि प्यूजो एक बार फिर एम्बेसडर को भारत में लॉन्च करने का प्रोग्राम बना रही है। संभव है कि एम्बेसडर का एक नया रूप आने वाले समय में सड़कों पर आपको दौड़ता दिखे। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त बालमुकुंद ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।